इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी पार्टी को 11 सीटें दी हैं। बीजेपी अब 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कल ही जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों पर सहमति बनी थी। नीतीश की पार्टी के 122 सीटों पर और बीजेपी के 121 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, ये सहमति यहाँ तक कैसे पहुंची? देखिए, मुकेश सहनी जब महागठबंधन से अलग हुए उसके बाद उनकी बातचीत चल रही थी बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, और कल ही जब एनडीए की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कह दिया गया था कि बीजेपी के कोटे से मुकेश सहनी को सीटें दी जाएंगी। और जब अंतिम बातचीत हुई है तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 11 सीटें दी जा रही हैं। तो महागठबंधन के लिए कहें तो एक बड़ा झटका है जब जिस तरह से मुकेश सहनी वहां से बाहर निकले और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी ने उनके पीठ पे छुरा घोंपा है, किस तरह से उन्हें धोखे में रखा गया। और यही कारण है कि आखिरी मौके पर बीजेपी ने मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। 11 सीटें दी हैं, सम्मानजनक सीटें हैं। और देखिए, अति पिछड़ी जाति से आते हैं मुकेश सहनी, निषाद जाति से, और करीब 40% आबादी है बिहार में। तो यदि जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो मुकेश सहनी का हो सकता है इसमें बीजेपी और जेडीयू का भी फायदा हो। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका नीतीश। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुंबई के किलर मैनहोल की।